साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 4 साइंस, जिसमें आपका 3 पॉइंट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था गार्बेज। इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर में हम लोगों ने पिछले बार यानी कल हम लोगों ने फिल इन ब्लैंक्स कर लिया था 5 नंबर क्वेश्चन। आज हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है। ट्रू फॉल्स को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें मैं यहीं पे आपको टिक आउट कर देता हूँ, जिससे आप समझ लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा क्वेश्चन गलत होगा। वी शुड ऑलवेज लीव अनईटेड फूड इन प्लेट, ठीक है। हमें हमेशा ऐसा करना चाहिए कि बिना खाए हुए भोजन जो है प्लेट पे ही छोड़ देना चाहिए। तो ये आपका गलत हैबिट है, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वी शुड ऑलवेज टेक एज मच एज वाटर इन टबलर डैट यू कैन ड्रिंक। तो हम लोग को हमेशा इतना पानी छोड़ देना चाहिए टबलर में जो हम लोग पी सकते हैं पानी, हमेशा उतना पानी छोड़ देना चाहिए। ये भी गलत हैबिट है, ठीक है। चलिए, वी शुड ऑलवेज लीव वाटर टैप ऑन वाइल ब्रशिंग टीथ, मैंने मुँह धोते समय ब्रश करते समय ब्रश को खुला ही छोड़ देना चाहिए, यह भी गलत हैबिट है। वी शुड ऑलवेज वाटर द प्लांट यूजिंग पाइप, पाइप का इस्तेमाल करके हम लोग वाटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सही है, पाइप से हम लोग वाटरिंग कर सकते हैं। लेफ्ट ओवर फूड आइटम शुड बी ब्रोकन इनटू पीसेस एंड गिवन एज फीड ऑफ बर्ड, मैंने लेफ्ट और फूड जो है उसको तोड़ करके चिड़िया को खाने के लिए दे देना चाहिए। ये गलत हैबिट है, क्योंकि वो एल्युमिनियम के फॉयल होते हैं, एनिमल के फॉयल जो मिट्टी में जाएंगे तो फिर पॉल्यूटेंट का काम करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। द फूड विल नॉट गेट एक्सप्लॉयड इफ़ वी कीप इट इन रेफ्रिजरेटर, तो ये सही है। चलिए, इस तरह से आपने जान लिया कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, We should always leave uneaten food in plate. तो एक गलत हैबिट है, ठीक है। We should always take as much water in tumbler that you can drink. तो ये भी आपका गलत है। We should always leave water tap on brushing teeth. तो ये भी गलत हैबिट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। We should always water the plants using pipe. पाइप से हम लोग वाटरिंग कर सकते हैं, ट्रू है। लेफ्ट ओवर फूड आइटम शुड बी ब्रोकन इनटू पीसेस एंड गिवन एज फीड बर्ड, बर्ड को खाने के लिए देना चाहिए, तो ये गलत है। और है आपका द फूड विल नॉट एक्सप्लॉयड इफ वी कीप इन द रेफ्रिजरेटर, तो ये सही होगा कि फ्रिज में रखने से, रेफ्रिजरेटर में रखने से भोजन खराब नहीं होता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग सजेस्ट एनी वे टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी को वेस्टेज करने से बचाने के लिए कोई एक तरीका आपको बताना है। तो हम लोग पानी को वेस्टेज कैसे होने से कैसे रोक सकते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से इस चैप्टर में तो नहीं मिला है, इसको देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि इसमें दिया है कि नहीं दिया है। तो मेरे ख्याल से इसमें इस चैप्टर में यह नहीं दिया है। नहीं, ये तो इस चैप्टर का नहीं है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर मैं दे दूंगा। सजेस्ट वन वे, एक ही तरीका आपको बताना है जिससे पानी को वेस्टेज से आप रोक सकते हैं। तो आपके अंदर गुड हैबिट होना चाहिए, पानी को बचाने के लिए गुड हैबिट्स होते हैं। जैसे आपने कोई वाटर वाला काम कर लिया, जैसे मान लीजिए क्लीनिंग वर्क कर लिया आपने, वॉशिंग कर लिया आपने, है ना, वॉशिंग कर लिया या बाथिंग कर लिया, तो आप क्या करें, टेप को उस समय क्या कर दें कि क्लोज कर दें, ठीक है। मैंने टेप को हमेशा काम करने के बाद, आफ्टर वर्क, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क, यू शुड हैव टू टेप
क्लोज, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ योर वर्क यू हैव टू क्लोज योर टेप, ठीक है, अपने पानी नल के को क्या करें कि आप बंद कर दें। यह भी एक तरीका है वाटर वेस्टेज को रोकने के लिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फिर मैं आपको बताते रहूँ। ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है यही केवल आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, जो सरस्वती विद्या मंदिर के नीचे मेरा नाम लिखा हुआ था उसके ठीक आप देखेंगे राइट हैंड, यानी कि आपके जिस हाथ से आप खाना खाते हैं या कलम चलाते हैं, जो आपके दाहिने तरफ हाथ होता है उसकी तरफ देखिएगा, एक साइन इस तरह का बना होगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहूँगा, और उसको आप देख करके अपने फेयर कॉपी में उतार लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।